नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आदर्श गांव का सपना देखा था। देश तो आजाद हुआ लेकिन बापू का सपना पूरा नहीं हुआ। बापू के उसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की योजना के मुताबिक हर सांसद को 2019 तक 3 आदर्श गांव बनाने हैं, जिसमें 2016 तक सांसदों द्वारा गोद दिया गया पहला गांव आदर्श बन जाना चाहिए था और उसके बाद 2019 तक 2 और गांव को गोद लेकर उन्हें भी विकसित किया जाना था। पीएम के कहने पर सभी सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र के गांव को गोद लिया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर आकार ले सकी? क्या सांसदों के गोद लिए गांव आदर्श गांव बन सके? हम पिछले कई दिनों से लगातार इसी की पड़ताल कर रहे हैं और हमारे कैमरों में गांव के विकास की जो तस्वीर कैद हो रही है उसे आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी ने गांव के विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की तो सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने खूब उत्साह दिखाया। सांसद ने नवंबर 2014 में सीतापुर संसदीय क्षेत्र के हुमायूंपुर गांव को गोद लिया और सांसद आदर्श ग्राम योजना की भावना के अनुरूप व्यक्तिगत प्रयास से गांव के विकास का वादा किया। गांव वालों ने भी सांसद महोदय के वादों पर एतबार किया और अच्छे दिन का इंतजार किया, लेकिन 3.5 साल बाद क्या अब हुमायूंपुर में विकास की गंगा बह सकी है? इसका जायजा लेने के लिए एपीएन की टीम पहुंची आदर्श गांव हुमायूंपुर और दौरा किया तो जमीनी हकीकत दिखा रही थी कि अभी भी गांव में कई मूलभूत सुविधाओं की कमी है जो इसे आदर्श गांव बनने से रोक रही है। रिपोर्ट आप देखिए। दरअसल सांसद आदर्श ग्राम योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी उम्मीदों से शुरू किया था। पीएम की योजना थी कि सांसद सरकारी योजनाओं से इतर व्यक्तिगत प्रयासों से अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव को गोद लेकर और उन्हें आदर्श गांव के तौर पर विकसित कर देश के करीब 6 लाख गांवों के सामने रोल मॉडल के तौर पर पेश करेंगे ताकि ये गांव भी उनसे प्रेरणा लेकर विकास के दौर में शामिल हो। आपको बताते हैं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में कुछ खास बातें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिंदगी में गांव का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। महात्मा गांधी ने आदर्श गांव का सपना देखा था। आज आजादी के 70 साल बीत गए लेकिन बापू का सपना पूरा नहीं हो सका। मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार बनी तो बापू के आदर्श गांव के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से आदर्श ग्राम योजना का ऐलान किया था। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम से कई योजनाएं चल रही है, कई नेताओं के नाम से बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं, संसद आदर्श ग्राम योजना। हम कुछ पैरामीटर तय करेंगे और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3,000 से 5,000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। इतना तो कर सकते हैं ना भाई, करना चाहिए ना। देश बनाना है तो गांव से शुरू करें, एक गांव आदर्श बनाए। और मैं 2016 का टाइम इसलिए देता हूं कि नई योजना है लागू करने में, योजना बनाने में कभी समय लगता है, और 16 के बाद जब 2019 में वो चुनाव के लिए जाए उसके पहले और 2 गांवों को करे, और 2019 के बाद हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। जयप्रकाश नारायण की जयंती यानी 11 अक्टूबर को सांसद आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री की योजना के मुताबिक हर सांसद को 2019 तक 3 आदर्श गांव बनाने हैं।
जिसमें 2016 तक सांसदों के द्वारा गोद लिए पहला गांव आदर्श गांव बन जाना चाहिए था और इसके बाद 2019 तक दो और गांव को गोद लेकर उन्हें भी विकसित किया जाना है। इसी तरह 2019 से 2024 तक 5 और आदर्श गांव बन जाने चाहिए। इस हिसाब से 10 साल के भीतर देश में 6,433 गांव आदर्श हो जाएंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शर्तें बड़ी आसान हैं। सांसद अपने पति या पत्नी का गांव छोड़कर कोई भी ग्राम पंचायत को चुन सकते हैं। मैदानी इलाकों में सांसद आदर्श गांव के तहत चुने गए गांव की जनसंख्या 3,000 से 5,000 के आसपास होनी चाहिए। वहीं पहाड़ी इलाकों के लिए जनसंख्या 1,000 से 3,000 तक होनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि एक आदर्श गांव में क्या क्या बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। आदर्श गांव में बेहतर सड़क होनी चाहिए, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, आदर्श गांव में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, आदर्श गांव में बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, गांव में बैंक और डाकघर भी होने चाहिए, इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, खेलकूद की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, गांव में सामुदायिक केंद्र होना चाहिए, आदर्श गांव में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। पीएम मोदी के कहने से देश के ज्यादातर सांसदों ने गांव को गोद तो ले लिया, लेकिन क्या सचमुच पीएम मोदी का सपना पूरा हो चुका है? क्या देश के सांसद 3.5 साल में एक भी गांव को आदर्श गांव बना पाए हैं? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। प्रधानमंत्री मोदी ने गांव के विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की तो सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने खूब उत्साह दिखाया। सांसद ने नवंबर 2014 में सीतापुर संसदीय क्षेत्र के हुमायूंपुर गांव को गोद लिया, लेकिन हमारे कैमरे में क्या हकीकत कैद हुई दिखाते हैं आपको। यह है सीतापुर का हुमायूंपुर गांव। वैसे तो ये गांव आम गांव की तरह ही है, लेकिन जब 2014 में इस गांव को सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया तो अचानक ये गांव सुर्खियों में आ गया। गोद लेने के बाद गांव में खूब जश्न मना, लोगों के अरमानों को पंख लग गए। गांव के लोगों को लगा कि जब बीजेपी के सांसद ने इस गांव को गोद लिया है तो अब उनके गांव की सूरत और सीरत बदल जाएगी, अब लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। सांसद महोदय भी गांव को गोद लेने के बाद पूरे लाव लश्कर के साथ गांव पहुंचे थे और ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी थी, लेकिन अब गांव वालों का आरोप है कि उनकी समस्याओं को सुलझाने की बजाय सांसद महोदय ने तो गांव से ही मुंह मोड़ लिया। क्या इसकी तस्वीर बदली है? जी बताइए। सांसद की तरफ से लाइटों के अलावा और कोई काम नहीं हुआ? लाइट तो लगी है, इसके अलावा काम नहीं हुआ। जी, उसके अलावा कोई मतलब आपके यहाँ शिक्षा की वही स्कूल चल रहे हैं और वही शिक्षा की व्यवस्था है? सांसद की तरफ से कुछ? सांसद की तरफ से कुछ नहीं। सांसद जी यहाँ आए ही नहीं तो देखने नहीं आए जब से हुए हैं एक बार गांव की तरफ। इनका कहना है सांसद यहाँ तक आए भी नहीं है, सांसद ने बिना आए ही इस गांव को गोद ले लिया। हमारे संगी भाई साहब आप बताइए कि यहाँ पे जो है स्वास्थ्य की क्या सुविधा है? स्वास्थ्य की कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। बच्चे आप लोग बीमार पड़ जाते हैं? बच्चे बीमार पड़ते हैं, सीतापुर जो बीमार पड़ते हैं तो सीतापुर सीधे जाते हैं जिला अस्पताल को, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो सब सीतापुर जिला अस्पताल के। रोडों की ज़्यादा बढ़िया नहीं है, गड्ढी गड्ढा है, वहाँ पे कोई विशेष विकास नहीं हुआ है और सब ऐसा गड्ढी गड्ढा पड़े हुए हैं, खड़ंजा भी वैसा ही लगा हुआ है। लाइट की क्या सुविधा है? लाइट चल रही है और लाइट तो इस समय ठीक ठाक आ रही है। लाइट कितने घंटे मिलती है? लाइट मिल जाती है 6-7-8 घंटे तक। सरकार जय मुख्यमंत्री ने तो कहा था 18 घंटे लाइट देने के लिए। हाँ तो लाइट पूरी नहीं, लाइन फॉल्ट वाल्ट हो जाती है, लाइट पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। सफाई की जो मौजूदा प्रधान है तो उस हिसाब से यहाँ पे गंभीर से नहीं ले रहे हैं, इसमें मच्छरों का प्रकोप हावी है और लगातार सरकार द्वारा छिड़काव कराने के आदेश दिए जा रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। आपके सांसद ने आपके गांव को गोद लिया, क्या हाँ? विकास हुआ, क्या आप लोगों ने देखा? गांव पे मौजूदा विकास हुए हैं, जैसे गांव में सांसद की तरफ से आदर्श लाइटें लगवाई गई हैं। उसके अलावा क्या विकास? उसके अलावा काम रोड मैप पे आ रहा है, अभी गाँव के लिए सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन करवाए जा रहे हैं और गांव में एक पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है जिसमें अच्छा सुचारू जल मिल सके लोगों को और टंकी उपलब्ध कराई जाएगी भी। तो क्या जो आरोप ग्रामीणों के हैं वो सही हैं?
क्या सचमुच सांसद राजेश वर्मा ने हुमायूंपुर गांव को गोद लेकर कुछ भी विकास कार्य नहीं कराया? गाँव वालों के आरोपों को सुनने के बाद एपीएन की टीम ने सांसद आदर्श ग्राम हुमायूंपुर की पड़ताल करने का फैसला किया और हम जा पहुँचे सांसद आदर्श ग्राम हुमायूंपुर। जब हम हुमायूंपुर पहुँचे तो यहाँ का मंजर ग्रामीणों के आरोपों से मेल खा रहा था। गोद लिए जाने के 3.5 साल बाद भी गांव की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जबकि ऐलान तो बहुत हुए थे। गांव की सड़कें बस रास्ता होने का भ्रम दिला रही हैं। मुख्य सड़क को छोड़ दे तो गांव में ज्यादातर सड़कें खड़ंजा वाली हैं, वो भी सांसद के गोद लिए जाने से पहले की बनी हैं और अब टूट रही हैं। लेकिन सांसद महोदय ने इन सड़कों की मरम्मत कराना भी मुनासिब नहीं समझा। कुछ गलियां आरसीसी की बनी हैं, लेकिन गांव की ज्यादातर सड़कें आज भी कच्ची हैं। वहीं गांव की अधिकतर नालियां भी कच्ची हैं। कुछ पक्की नालियां बनी हुई हैं, तो उनमें कचरा भरा हुआ है, जिसकी वजह से नालियां जाम हो रही हैं। इन सड़कों में पानी भर जाने की वजह से पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है। बारिश के दिनों में तो इस गाँव का हाल और भी बुरा रहता है। जल निकासी की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने की वजह से गांव में पानी भर जाता है और लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो जाता है। जब से सांसद हुए एक बार भी नहीं आए यहाँ। आपके गांव को गोद ले लिया? हाँ, गोद ले लिया, आए एक बार भी नहीं। क्या सुविधाएं मिली आपको? सांसद की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं मिली भाई साहब। क्या आप लोगों के अच्छी रोडें हैं? हाँ, रोड एक रोड अच्छी है, बाकी अच्छी नहीं है। आप लोग अगर बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? सीतापुर जाते हैं। सीतापुर यहाँ पे कोई जो है स्वास्थ्य समुदाय केंद्र नहीं बना? स्वास्थ्य समुदाय केंद्र नहीं बना। क्या डाक खाना अच्छा बना आपके? हाँ, डाक खाना बढ़िया बना है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की प्राइमरी एक स्कूल है और एक जूनियर स्कूल है। स्कूल न बना है, न पंचायत घर है, अस्पताल अस्पताल नहीं है, ना कोई नाली है, ना कोई है। नाली थोड़ी बहुत बनी है तो कोई पानी का निकास नहीं है साहब। हाँ, कोई विकास नहीं है ना। आपके गांव को गोद लिया था, कोई विकास नहीं? कोई विकास ना है। किन्हीं ने कभी आया आपके सांसद? कोई नहीं आए। कभी देखा? कभी नहीं देखा। गांव में पीएम मोदी का स्वच्छता मिशन भी कहीं नजर नहीं आता। चारों तरफ गंदगी भरी पड़ी है। गाँव वालों के मुताबिक महीने में एक बार ही सफाई कर्मी आता है। वहीं गाँव में बेहद कम घरों में शौचालय बने हैं। शौचालयों के अभाव में यहाँ के लोग आज भी खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। इस सांसद आदर्श गांव में शुद्ध पानी भी बड़ी समस्या है। सांसद आदर्श गांव के तौर पर चयनित होने के बाद यहाँ पानी की टंकी बननी चाहिए थी, ताकि गांव वालों को शुद्ध पानी मिल सके। लेकिन पानी की टंकी तो यहाँ के लोगों के लिए सपना बना हुआ है। हाँ, सांसद महोदय ने गाँव में कुछ हैंडपंप तो जरूर गड़वाए, लेकिन वो भी ज्यादातर खराब पड़े हैं। अब दो हैंडपंप के सहारे गांव वाले अपनी जरूरतें पूरी करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सीतापुर संसदीय क्षेत्र के हुमायूंपुर गांव में विकास की किरण बहुत कम नजर आती है। आजादी के बाद से ही नेताओं की नजर इस गांव पर नहीं पड़ी। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन इस गांव की किस्मत नहीं बदली। हुमायूंपुर में आज भी ज्यादातर घर कच्चे हैं, जो इनकी बदहाली की कहानी सुना रहे हैं। हाल ये है कि गांव के विकास के बारे में पूछने पर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ता है। राजेश वर्मा वाट के अलावा यहां पर मोहरे पर कोई झांका ना आओ, कोई या मर जाए या भिंजर जाए या पानी घरन भर जाए, कहीं कुछ हो जाए, यहां पर कोई तलाशी नहीं। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि आपके गांव में रोडे कैसी बनी है? रोटी सब 20 साल पहले खड़ंजा लगा है, अभी उसके बाद नहीं लगा? नहीं लगा, थोड़ा अपने प्रधान नए प्रधान से थोड़ा मरम्मत करवाई है, नया खड़ंजा और नाली थोड़ा बनवाई है। स्कूल की क्या व्यवस्था? व्यवस्था नहीं है। आंगनबाड़ी अभी नवा बना है, वो चालू नहीं है। अच्छा, आप बताइए कि आपके गांव में क्या कोई स्वास्थ्य समुदाय केंद्र बना है? हाँ, हमारे गाँव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अच्छा। हमारे गाँव में पानी की व्यवस्था कोई नहीं है। अच्छा, आप बताइए कि आपके गाँव में इतना मतलब 4 साल हो गए सांसद को गोद लिए, तो आपके गांव में क्या कोई डाक खाना वगैरह बना? कुछ नहीं बना है, कुछ ना ऐसा है बना है, ना डाक खाना है, ना पंचायत घर है। हमारे गांव में कोई शौचालय नहीं बना है, कोई विकास नहीं हुआ है। हम सभी दिन देखते रहे, ना कहूँ नाली का निकास है, ना खरंजे का निकास बना कहीं कोई तरीके से। बहुत परेशानी है। कोई अस्पताल आप लोग बीमार पड़ जाते? कोई अस्पताल है, अगर बीमार हो जाए
जो अस्पताल है बीमार हो जाए तो ये 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना पड़ता, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं। अच्छा, आप बताइए कि आप किस तरीके से यहाँ पे जब बीमार हो जाते हैं, आपके यहाँ ना तो स्कूल वो अस्पताल है, तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं जब आपके यहाँ कोई स्कूल है? और गांव जाते हैं हिमायतपुर, यहाँ नहीं बना है कोई स्कूल? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है, इंटरनेट की भी सुविधा नहीं है? कोई नहीं सुविधा। अच्छा, आइए अब आपको आदर्श गांव हिमायतपुर का एक और सच दिखाते हैं। ये सच यहाँ के लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। आपको जानकर हैरत होगी कि इस गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ऐसे में यहाँ के लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे है। हर छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी गांव वालों को शहर की ओर भागना पड़ता है या फिर गांव के झोला छाप डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ती है। वहीं तमाम बुनियादी सुविधाओं की कमी के बीच हमें बिजली की व्यवस्था कुछ ठीक नजर आई। पूरे गाँव में विद्युतीकरण कराया गया है। पूरे गांव में बिजली के खंभे और तार दुरुस्त नजर आए। पोल पर गांव में रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई हैं। सांसद राजेश वर्मा ने इस गांव को गोद लेने के बाद कुछ सोलर लाइट भी लगवाई है, लेकिन ये सारी व्यवस्था फेल हो जाती है जब लाइन कट जाती है। यूपी के सीएम ने गांवों में 18 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन आदर्श गाँव हुमायूंपुर में सीएम योगी का वादा कहीं नजर नहीं आता। गाँव वालों की माने तो बिजली 8 से 10 घंटे आ जाए तो बड़ी बात है। ऐसे में विद्युतीकरण के बावजूद गांव बिजली को तरस रहा है। गोद लिए जाने के 3.5 साल बाद भी आदर्श गांव बनना तो दूर, हुमायूंपुर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर चीज के लिए ये गाँव तरस रहा है। आदर्श गाँव के रूप में चयनित होने पर यहाँ बैंक, इंटरनेट समेत तमाम वादे किए गए थे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आपको शौचालय मिला? नहीं मिला। कहाँ जाती है? खेत। तो प्रधान से कहा? प्रधान से कहा, लिखवाई रन प्रधान और दिहिन ना प्रधान। सड़क वाला कैसी है आपके? सड़क यह है इतना वहा है, कैसे इतना खड़ंजा है यह है। वैसे तो बहुत बोल लेती हो। हाँ तो कहें तो है खड़ंजा है। अच्छा, अरे अच्छा ये बताओ, आपके बिजली जी मिलती लाइट है? हाँ लाइट है। कितने घंटे मिलती है लाइट? थोड़ी देर के लिए आवत फिर चले जाते। 5-6 कितने घंटे? हाँ छः, अरे 5-6 घंटे ऐसे, थोड़ी आधा आधा घंटा आवत चले जाते। कभी हम लोग सांसद को देखा अपने गांव में? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, आप लोग जब बीमार पड़ जाती है तो कहाँ जाती है? तो यहाँ अस्पताल ना है, सीतापुर या मिश्री। यहाँ आपके अस्पताल? नहीं नहीं। डाकघर? कुछ नहीं है। क्या विकास हुआ? कुछ नहीं, हमारा विकास है, कुछ नहीं बना। हमारा कॉलोनी में हमारा सब गिरा पड़ा है सर। अच्छा, ना लेटरिंग है, ना फैटरिंग है, कुछ नहीं हमारे। तो आप लोग कहाँ जाते हैं? तो खेता पता साहब गए थे। अच्छा, तो खड़ंजे कुछ नहीं, दोबारा लगा रहा था ना, मिट्टी में दब गया और दोबारा कुछ नहीं बना है। अस्पताल अस्पताल साहब कुछ नहीं है, या टूट फाट है तो भगवापुर जाओ, रामकोट जाओ, जयपुर जाओ, या सीतापुर जाओ, मिश्रिख जाओ, और कुछ नहीं है। 3.5 साल से विकास की बाट जो रहे ग्रामीण अब बेचैन हैं। आदर्श गांव बनने के बाद भी यहां शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो सका। सांसद राजेश वर्मा के गोद लेने से पहले यहां प्राथमिक और मिडिल स्कूल था। गांव वालों को उम्मीद थी कि सांसद महोदय गांव में इंटर कॉलेज खोलेंगे, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में गाँव वालों को लग रहा है कि जैसे आदर्श गाँव के तौर पर चुनकर इनके गाँव के साथ मजाक किया गया है। अब गांव वाले चाहते हैं कि एक बार सांसद महोदय गांव आए और गांव की दुर्दशा देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के मुताबिक हुमायूंपुर गांव को 2016 में आदर्श गांव बन जाना चाहिए था। अब तक यहां के लोगों को जीवन की तमाम बुनियादी सुविधाएं मिल जानी चाहिए थी, लेकिन 3.5 साल बाद भी हालात जस के तस है। गाँव वाले खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ ना तो स्कूल है, ना अस्पताल है, और जो बीमार हो जाए तो जाना पड़ता है मिश्रिख या सीतापुर, और यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। 4 साल में कुछ नहीं आपके गांव में? यहाँ कुछ नहीं, खड़ंजा पुराना लगा और कुछ नहीं। व्यवस्था नहीं है, मतलब ऐसा है, पहले लगे थे पंखा पंखा सब खोल गए, गेट भी गायब है। सांसद ने कुछ बना नहीं, लाइटें हल्की लगी है, वैसे अभी जलती नहीं। तो आपके यहाँ इंटरनेट की कोई सुविधा है? नहीं, नहीं है, नहीं है। दरअसल हुमायूंपुर आदर्श गांव में बिजली छोड़कर खास विकास कार्य नजर नहीं आता। एक तो सड़क को छोड़ दे
तो बाकी सड़कें बदहाल हैं। सांसद महोदय को इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए जितनी कोशिश करनी चाहिए थी वो कोशिश नजर नहीं आती। यही मिली कि इमरजेंसी मरकरी लग गई है और क्या मिला, तो थोड़ा बहुत शिक्षा से मिलती है, प्राथमिक विद्यालय में अच्छी मिलने लगी है और क्या। अच्छा ये बताओ आपके यहाँ रोड की क्या अच्छी सुविधा है? हाँ विशेष ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत सही है। इंटरनेट की सुविधा? इंटरनेट की सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य की सुविधा? स्वास्थ्य की सुविधा फिर थोड़ी नहीं है। की स्थिति सब ऐसे जर्जर है। अच्छा कोई प्रधान की वो जो सांसद की निधि से कुछ बना है? अभी सांसद की निधि से हमारे गाँव में लाइटें लगी है सौर ऊर्जा वाली, उसके अलावा कोई विकास कार्य? उसके अलावा अभी तो हमारी जानकारी में विकास कार्य नहीं। व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? शिक्षा व्यवस्था? अरे शिक्षा व्यवस्था वैसे ही है जैसे पहले थी और क्या। अच्छा गांव में शुद्ध पानी की व्यवस्था है क्या? हमारे गांव में शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं, टंकी की सांसद जी ने कराया है व्यवस्था लेकिन अभी टंकी लगी नहीं। सपने दिखाकर तोड़ने से कितना दर्द होता है वो कोई हुमायूंपुर गाँव वालों से पूछे। गाँव को गोद लेकर सांसद राजेश वर्मा ने जो सपने दिखाए थे वो आज 3.5 साल बाद भी विकास नहीं होने से टूट गए हैं। इसके साथ ही हुमायूंपुर में टूट गया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के आदर्श गांव का सपना। अब जब पीएम मोदी के सांसदों को ही उनकी महत्वाकांक्षी योजना की फिक्र नहीं है तो दूसरी पार्टियों के सांसदों को क्या कहा जाए। मोहम्मद समीर, APN सीतापुर।